दुनिया में पहले अंडा आया या फिर मुर्गी, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। और उसके साथ ये भी पूछा जाता है कि अंडा मांसाहारी है या फिर शाकाहारी। अंडा मुर्गी देती है तो फिर ये नॉनवेज कैसे हुआ? इन सवालों के जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया है। लगातार ये सवाल चर्चा में रहते हैं और दुनिया में इनको लेकर अलग अलग तरह के विचार भी है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका जवाब ढूंढ लिया है और वैज्ञानिकों ने अंडे के मांसाहारी या शाकाहारी होने के बहस पर विराम लगा दिया है। दरअसल शाकाहारी लोग अंडे को मांसाहारी बताकर नहीं खाते। उनका तर्क है कि अंडा मुर्गी से आता है, इसलिए जब मुर्गी नॉनवेज है तो अंडा भी नॉनवेज है। लेकिन साइंस कहती है कि दूध भी जानवर से ही निकलता है, तो वो शाकाहारी कैसे? ज्यादातर लोगों को गलतफहमी है कि अंडे से चूजा निकलता है। लेकिन अगर आप इस कारण से अंडे को मांसाहारी मानते हैं तो आपको बता दें कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब यह है कि उनसे कभी चूजे बाहर नहीं आ सकते। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने भी साइंस के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उनके मुताबिक अंडा शाकाहारी होता है। जी हाँ, दरअसल अंडे में तीन लेयर होती है, पहला छिलका, दूसरा सफेदी और तीसरा अंडे की जर्दी। अंडे पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक अंडे की सफेदी में सिर्फ प्रोटीन होता है, उसमें जानवर का कोई हिस्सा मौजूद नहीं होता, इसलिए तकनीकी रूप से एग वाइट शाकाहारी होता है। एग वाइट की तरह ही एग योक यानी कि अंडे की जर्दी में भी प्रोटीन के साथ सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट मौजूद होता है। हालांकि अंडे मुर्गी मुर्गे के संपर्क में आने के बाद ही देती है, उनमें गैमेट सेल्स मौजूद होता है जो उसे मांसाहारी बना देता है। आपको बता दें कि मुर्गी जब 6 महीने की होती है तो हर रोज एक अंडा देती है, लेकिन उसके अंडे देने के लिए जरूरी नहीं कि वो किसी मुर्गे के संपर्क में आई हो। इन अंडों को ही अनफर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनमें से कभी चूजे नहीं निकल सकते। ऐसे में अगर आप अभी तक अंडे को मांसाहारी मानते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि अंडा शाकाहारी है। वायरल किडा न्यूज़।